हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश देशमुख। आज हम बात करेंगे हैकोप सिरप के बारे में। इसमें जो कंपोजिशन है वो है हाइड्रोक्सीसिन हाइड्रोक्लोराइड। ये मैनकाइंड लाइफस्टार कंपनी का प्रोडक्ट है। इसमें सिमिलर ब्रांड एटेरेक्स के नाम से भी एक आता है और भी कोई ब्रांड हो सकते हैं मार्केट में। मैं जस्ट आपको फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ये मेरे पास सैम्पल था इसलिए बता रहा हूँ। इसका जो कंपोजिशन है इसमें ईच 5 ml कंटेंस हाइड्रोक्सीसिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg, और इसमें टैबलेट फॉर्म भी आता है और इंजेक्टेबल फॉर्म भी आता है। ये हम एंटी हिस्टामिनिक है, ये हिस्टामिन ब्लॉक करता है। जब भी हमारे शरीर में कोई एलर्जी होती है हिस्टामिन रिलीज होता है और उसके कारण हमको कुछ एलर्जी इचिंग अर्टिकेरिया रिएक्शंस आते हैं। और न्यूबॉर्न्स में भी काफ़ी सेफ़ है, इन्फेंट्स में, बच्चों में, एडल्ट्स में एंटी हिस्टामिनिक काफ़ी सेफ़ है। हम एलर्जी डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जी में यूज़ कर सकते हैं। अर्टिकेरिया में भी इसका रोल इवन बच्चों में, इन्फेंट्स में और एडल्ट्स में भी देखा गया है। तो इसकी जो डोजेस है उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं अभी। डोजेस ये हम बच्चों में जनरली 1 to 2 mg पर kg पर डे डिवाइडेड इनटू 3 to 4 डोजेस दे सकते हैं। एडल्ट में इसकी 10 mg की टैबलेट आती है, 25 mg की टैबलेट आती है। अकॉर्डिंग टू डिसीज सिवियरिटी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका एक जो साइड इफेक्ट है वो थोड़ा सा इससे स्लीपीनेस या ड्रॉजीनेस या सेडेशन जिसको हम बोलते हैं, थोड़ी नींद या सुस्ती आती है। तो इसलिए हम जनरली ये नाइट टाइम, मतलब एट द टाइम ऑफ बेड, अगर सिंगल डोज देना है तो एट द टाइम ऑफ बेड इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। या फिर बहुत बार न्यूबॉर्न्स में इसको, अगर बहुत ही इरिटेबिलिटी है कुछ कारणवश, बच्चों में इचिंग है, अर्टिकेरिया है, तो इरिटेबिलिटी के लिए भी हम इसको न्यूबॉर्न में कुछ पीडियाट्रिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि बच्चों का थोड़ा इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट जो है वो कम हो जाए। बहुत बार ये सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद एज एंजियोलाइटिक एजेंट, मतलब एंजाइटी या डर जो है वो दूर करने के लिए, पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए भी दिया जाता है। बच्चों में कुछ प्रोसीजर के पहले, जैसे कुछ सोनोग्राफी सिटी स्कैन अगर करना है, बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है, एक जगह पर रुक नहीं रहा है, तो ऐसे समय ये सिडेशन के लिए भी दे सकते हैं। तो एक सेफ एंटी हिस्टामिनिक है। आशा करता आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर कुछ क्वेरीज और कमेंट्स है तो आप हमें पूछिए कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल। थैंक यू।